नमस्कार दोस्तों, खेतेश्वर टी कंपनी के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करते हैं चाय पत्ती के व्यापार के बारे में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं डस्ट टी ग्रेड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। कई लोग बोलते हैं कि डस्ट चाय लेने से कलर आता है, तो आखिर डस्ट होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जब दोस्तों आपने CTC का मतलब जान लिया कि क्लियर ट्रस्ट क्रॉल, अर्थात कि आप इसके अंदर CTC जो चाय बोलते हैं इसे हम ये कहते हैं, उसके बाद नंबर आता है डस्ट का। तो आपने सुना होगा CD, RD, डस्ट, PD, इनका इनके पीछे D जो लिखा रहता है इसको हम डस्ट कहते हैं। इनका मतलब ये होता है कि यह पत्ती बहुत बारीक होती है और जब आप इनको चाय बनाते हैं इनका तो कलर जो पकड़ना, क्योंकि बारीक होने की वजह से ये कम आंच के अंदर भी अपना उकाल आने के बाद कलर दे देती है, और ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम होता है ये सबसे मिनिमम टाइम में आपको कलर देने का काम करती है, इसे डस्ट ग्रेड कहते हैं। और बात करें इसके दाने की, तो इसका दाना बहुत बारीक है, हम आपको बाद में बताएंगे इसका दाना कैसा है। अब इसका यूज कहाँ पर है हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपने ट्रेन की यात्रा की है या फिर आपने अपने घर के अंदर ही जब आपने देखा वो बोट एकदम गर्म किया हुआ दूध रहता है, और जब हम आपको डिप वाली चाय लेके आते हैं और उसके अंदर हमेशा डस्ट या CD या RD ग्रेड ही रहता है, इसका मतलब है उनको ऐसे डिप करते हुए उसके अंदर कलर आ जाएगा, इतना फास्ट डस्ट का कलर रहता है कि गर्म पानी के साथ ये मिलते ही अपना कलर छोड़ देती है, इसको ज़्यादा उबालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इसका यूज आता है होटल स्पेशल चाय बनाने के लिए। जो होटलों के ऊपर दोस्तों अमूमन यही कहते हैं कि कलर तुरंत आना चाहिए, तो कलर तुरंत आने के लिए डस्ट ग्रेड का ही उपयोग में लिया जाता है। अब दोस्तों आज हमने इसीलिए आपके सामने डस्ट ग्रेड के सैंपल बनाए हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं सैंपल के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा ऐसा होता है डस्ट का, जो बारीक एकदम बारीक दाना होता है इसका, ये होता है डस्ट ग्रेड। आप देख रहे हैं इसके अंदर भी वेरियस टाइप का माल आता है और ये आपको डस्ट का माल दिख जाएगा। बात करें इनके लीटर की, दोस्तों अब इनके कप की बात करें तो आप देख सकते हैं इनको बनाए हुए 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यह तो ना तो ये चाय काली पड़ रही है और ना ही ये चाय खराब है, और इसका कलर की बात करें तो तुरंत इनका कलर आता है। ये देखिए रेडी स्टोन के अंदर है, ये थोड़ी काली पड़ सकती है लेकिन ये चाय पीने के अंदर बढ़िया है। अगली चीज़ की बात करें तो यह है डस्ट चाय, और आप देख सकते हैं इसका भी कलर फाइन है, और इन सारी चाय को बने हुए 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो डस्ट की लेने के अंदर, डस्ट चाय के अंदर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको देते हैं आसाम के बढ़िया गार्डन की डस्ट की, जो लेते ही आपको तुरंत कलर दे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो हमें ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।